तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक मोब। टेक मोब चैनल आपका स्वागत है। तो गाइस, ऐसा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने वीडियो को सही तरीके से कैसे अपलोड करें। अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हो तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वीडियो को सही तरीके से कैसे अपलोड करें, क्योंकि अगर आप यूट्यूब से अपलोड करते हो तो वहाँ पर सारे फीचर नहीं मिलते हैं। जैसे कि आप वहाँ पर थंबनेल नहीं डाल सकते, आप वहाँ पर टैग नहीं ऐड कर सकते, और बहुत सारे जैसे कि लैंग्वेज भी वहाँ पूछा जाता है, रेस्ट्रिक्शन, मेड फॉर किड्स और नॉट मेड फॉर किड्स, ऐसे ही बहुत चीज़ें जो वहाँ पे फीचर नहीं मिलते हैं यूट्यूब में। तो फ्रेंड्स, आज मैं यही बताने वाला हूँ कि आप अपने वीडियो को सही तरीके से कैसे अपलोड करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद से यहाँ सर्च बार में सर्च करेंगे यूट्यूब स्टूडियो। सर्च करने के बाद से यहाँ नीचे देखेंगे कंटिन्यूटी स्टूडियो, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और अगर आपका यहाँ पे लॉगिन ना हो तो यहाँ साइड में देखेंगे मेरे चैनल का लोगो दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे आपके पास आएगा ऑप्शन ऐड अकाउंट। और अगर आप यहां से अकाउंट बदलना चाहते हैं चैनल, तो स्विच अकाउंट पर क्लिक कर लेंगे और इतने सारे जो भी आपका चैनल सेलेक्ट करना होगा वो कर लेंगे सेलेक्ट। अगर आपका क्रोम डेस्कटॉप साइट में ना होते हैं, थ्री डॉट पर क्लिक करके या नीचे देखेंगे डेस्कटॉप साइट, इस पर क्लिक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको बताते हैं कैसे अपना वीडियो सही तरीके से अपलोड करें। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर अपना चैनल एनालिटिक्स भी देख सकते हैं ऊपर डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड ओपन हो गया, यहाँ देखेंगे मैं आपको अपलोड करना बताता हूँ। ऊपर में देखेंगे यहाँ क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है चैनल के लोगों के पास, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ फर्स्ट ऑप्शन अपलोड वीडियो, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ गया सेलेक्ट फाइल, उस पर क्लिक करेंगे। देखेंगे नीचे से पॉपअप मेनू खुल के आएगा, तो मैं अपना फाइल्स में वीडियो डाला है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने अभी कोई वीडियो सिलेक्ट नहीं किया है, आप यहाँ से जो भी आपका वीडियो हो वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे जो एरो दिख रहा है ये अपने आप ही वीडियो अपलोड करने लगा। तो मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं ये अपलोड कर रहा हूँ, तो देखिए अपलोड होना स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ नीचे देखेंगे दिख रहा है 23% अपलोडेड, ये अभी अपलोड हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप अपने वीडियो का टाइटल डाल सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे कुछ भी टाइटल डाल सकते हैं। और नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, या नीचे थंबनेल, यहाँ पे ऑप्शन है अपलोड थंबनेल। फिर यहाँ पे प्लेलिस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपना, यहाँ वहाँ पे ऑप्शन नहीं रहता है यूट्यूब में, ये फीचर नहीं रहता है। और यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन भी देख सकते हैं, इज रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पे यस इट मेड फॉर किड्स, नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। और यहाँ पे नीचे देखेंगे मोर ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे फीचर्स ऑप्शन है। यहाँ पे अपना टैग ऐड कर सकते हैं, उसके बाद से नीचे यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो लैंग्वेज, यहाँ पे आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं इतने सारे लैंग्वेज हैं, तो मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कैप्शन सर्टिफिकेशन, आप यहाँ पे कोई भी चूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और फिर यहाँ प्लेलिस्ट वही चीज़ ऐड कर सकते हैं प्लेलिस्ट। और फिर नीचे आएंगे यहाँ टैग, यहाँ रिकॉर्डिंग डेट, आप डेट डाल सकते हैं कि आपका वीडियो कब रिकॉर्ड हुआ था। और फिर नीचे आते हैं वीडियो लोकेशन, यहाँ पे वीडियो लोकेशन भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे कैटेगरी भी डाल सकते हैं, मेरा पीपल एंड ब्लॉग है, आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लें। और यहाँ नीचे देखेंगे कमेंट एंड रेटिंग, यहाँ पे मेरा अलाउ ऑल कमेंट्स कर सकते हैं, होल्ड पोटेंशियली इनएप्रिएट कमेंट्स फॉर रिव्यू, होल्ड ऑल कमेंट्स फॉर रिव्यू एंड डिसेबल कमेंट, आप जो भी चाहे इसमें सिलेक्ट करते हैं। मैं अलाउ ऑल कमेंट कर रहा हूँ। यहाँ शॉर्ट बाई टॉप, आप यहाँ नीवेस्ट या टॉप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ देखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे
फिर यहाँ पे आप चाहें तो एंड स्क्रीन भी ऐड कर सकते हैं, और फिर यहाँ ऐड कार्ड यानी कि आई बटन भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ नीचे देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर लेंगे। देखेंगे इसके बाद से आप यहाँ पे अभी के अभी यानी कि तुरंत अपलोड होने के बाद पब्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे शेड्यूल का भी ऑप्शन है, आप चाहें तो शेड्यूल कर देंगे और यहाँ टाइम डाल देंगे। आप जो टाइम डालेंगे तो इस समय अपलोड हो जाएगा, और पब्लिक जब आप चाहेंगे यानी कि कल परसों जब चाहें तब टाइम डाल के आप पब्लिश कर सकते हैं, यानी कि अपलोड अभी हो जाएगा और जो टाइम डालेंगे उस समय पब्लिक यानी कि सबके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा जो आपको बेल आइकन को दबाया हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे शेड्यूल करना, शेड्यूल का ऑप्शन आएगा और इसके बाद से यहाँ शेड्यूल पे क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आ गया ऑप्शन, मैंने कुछ भी टाइटल नहीं डाला था, ऐसे ही डाल दिया था वीडियो अपलोडिंग 100% अपलोडेड। यहाँ पे क्लोज कर देंगे तो देख सकते हैं यहाँ वीडियो खुल के आ रहा है, तो देख सकते हैं लोडिंग ले रहे हैं यहाँ पे वन न्यू वीडियो। तो मैंने सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए किया था, तो मैं इस वीडियो को अभी डिलीट कर दूँगा। अगर आप चाहते हैं वीडियो को डिलीट करना तो भी मैं बताऊंगा, इसे सही से अपलोड हो जाने दीजिए। देखिए यहाँ पे आप थंबनेल आपका दिखाएगा जो आप ऐड करेंगे, यहाँ पे थ्री डॉट लाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसके बाद से देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है डिलीट फॉर एवर, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा है आई अंडरस्टैंड डिलीटिंग इज परमानेंट एंड कैन नॉट बी अनडन, तो यहाँ पे टिक कर देंगे और यहाँ पे डिलीट फॉर एवर पे क्लिक कर देंगे। तो देखेंगे अभी देखिए वीडियो हट गया हमारा, वीडियो डिलीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स यही था सही तरीका आपको अपने वीडियो अपलोड करने का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फीचर मिलते हैं, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं और यूट्यूब में इतने सारे ऑप्शन नहीं मिलते, आपको दूसरी जगह जाकर करना पड़ता। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।